नमस्कार, मैं दीदी फौजदार, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी मीडिया। आज हम बात करेंगे शाहिद कपूर और कृति सनेन स्टार फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया रिलीज हो गई है। कॉमेडी ड्रामा से भरी हुई ये फिल्म की लेंथ 2 घंटे 23 मिनट की है। साल 2023 में OTT पर दर्शकों को फर्जी और ब्लडी डैडी के साथ लुभाने के बाद बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर ने करीब 2 साल के बाद अपनी नई फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया के साथ सिनेमा घरों में वापसी ले ली है। टीजर से लेकर ट्रेलर तक और फिर पोस्टर से लेकर गाने तक फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया के हर मोड पर बेहतरीन ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म में ट्रेलर से लेकर टाइटल ट्रैक तक मिले अच्छे रिस्पांस के साथ तेरी बातों में उलझा जिया ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। मोस्ट अवेटेड फिल्म साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। फिल्म की कहानी कुछ हटकर है, जिसे मैक्स ने खास अंदाज में पर्दे पर पेश किया है। शाहिद कपूर और कृति सनैन के साथ फिल्म में दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र और डिंपल कपाड़िया ने भी दिल जीत लिया है। ये एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसको लड़की के साथ प्यार हो जाता है जो कि एक रोबोट है। दिल जोड़ने से लेकर टूटने तक की कहानी कभी चेहरे पर मुस्कान लाती है तो कभी आंखों में आंसू। फिल्म की कहानी क्लाइमेक्स तक आपको सीट पर बैठने के लिए मजबूर करने वाली है। इम्पॉसिबल लव स्टोरी में शाहिद कपूर ने साइंटिस्ट का रोल प्ले किया है, वहीं कृति सनैन रोबोट बनी है। तेरी बातों में उलझा जिया दिल के दर्द को बहुत अच्छी तरीके से कृति सनैन ने पेश किया है और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच इमोशनल बाउंड्रीज को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। फिल्म के एडवांस बुकिंग को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि तेरी बातों में उलझा जिया ऊंची उड़ानों को भरने के लिए तैयार है। फिल्म के पहले दिन की अच्छी खासी एडवांस बुकिंग हुई, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत में पहले दिन में फिल्म 96,571 टिकट्स की प्री सेल हुई थी, जिसे फिल्म के रिलीज से पहले ही 2.11 करोड़ का कलेक्शन दिखाया जा रहा है। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ।